कहते हैं और केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं, ये आपको बताए जा चुके हैं। केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बनते हैं, फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और इस पे वीडियो पड़ा है, जाके उसको आप फिर से देख सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में बताया था आप लोगों को भी, केमिस्ट्री में होता क्या, रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और कोई तीसरी चीज़ जो है वो बनती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया था हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बनता है, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ से क्या बना हमारा H2O, वाटर बना। इसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए क्या बैलेंस्ड है इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है, तो क्या दोनों तरफ इक्वल है, हाँ बताइए, नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, टू है, इधर कितनी है, टू है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है, टू है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, तो हम कैसे इसको बराबर करेंगे, अगर हम यहाँ बाहर टू लगा दें तो इसका मतलब ये, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, टू, जब बाहर लगाते हैं तो ये इसमें भी होता है और ये इसमें भी होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर टू लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, और इधर भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, ऑक्सीजन यहाँ टू है और ये बाहर लगा है तो ये ऑक्सीजन भी इधर टू है, यानी कि ये जो है दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये आपकी जो रिएक्शन है, ये इक्वेशन है जो बैलेंस है। अब केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ें होती, कैसे पता चलेगा कोई चीज़ केमिकली रिएक्ट कर रही है, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई परसिपिटेट मतलब कुछ अलग सी कोई मास, कोई लेयर आपको दिखाई देगी बैठी हुई जब रिएक्शन होगा, इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, या गैस इवॉल्व होगी, गैस निकलेगी, या स्मेल बदल जाएगी, चेंज ऑफ स्मेल, तो इससे भी पता चलता है क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। चेंज ऑफ, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है, ठीक है, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है। चेंज ऑफ एनर्जी होता है एंडोथर्मिक, मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, जो आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी कोई भी रिएक्शंस होते हैं तो उसको हमको वर्ड में नहीं लिखना है। जैसे अगर हम कहें कि इसको रब कर देते हैं, अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, क्या बना हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बना हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये तो वर्ड में हो गई ना, तो आपको वर्ड में नहीं राइट करना, आप कहां तक वर्ड्स में राइट करोगे, नहीं कर पाओगे आप वर्ड्स में राइट, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सिंबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो वर्ड WORD वर्ड में रिएक्शन आपने लिख दिया, लेकिन इस तरह से जो भी लिखेंगे तो आप इस तरह से केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए, आपको सिंबल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे H2, ठीक है, क्लोरीन के लिए लिखेंगे Cl2, और क्या बन जाएगा यहां से 2HCl, क्या ये बैलेंस्ड है, देखिए हाइड्रोजन के दो इधर, हाइड्रोजन के दो इधर, बाहर लगा है इसका मतलब ये इसमें भी है और क्लोरीन में भी है, क्लोरीन के दो यहां पे और क्लोरीन के दो यहां पे, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो आपकी क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड कहलाता है और ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट साइड कहलाता है। अब इसमें आप काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में हमारे कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में हमारे कितने एटम्स हैं। जैसे अगर हम अभी इसको भी रब कर देते हैं, अब अगली एक इक्वेशन लेते हैं कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिले तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन जब मिले Ca, कैल्शियम के लिए क्या आएगा सिंबल Ca, और क्या है ऑक्सीजन, तो अब क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब आपको बताना है क्या ये बैलेंस्ड है, हाँ, तो इसको बैलेंस्ड है कि नहीं, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कर लो, आप सबसे पहले यहां पे एक ऐसे चार्ट बना लीजिए जिसमें आप यहां पे लिख लीजिए एलिमेंट्स और एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और एटम्स राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए आप एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, कैल्शियम है और क्या है, और तो कुछ है नहीं,
इधर भी यही है, इधर भी यही है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम कितना है हमारे पास, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, ये एटम्स हैं, आपको पता है एटम्स से ही मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। और एटम्स ही जो है वो, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, दैट इज सेपरेट टॉपिक, अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जब रिएक्शंस होते हैं तो इन्हीं एटम्स के बीच में रिएक्शंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूल भी मैंने आपको बताया, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो क्या बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। ये भी आपको बता चुके हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, ये भी बता चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बना रखा है, आप जाके उस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए और उसको लिख लीजिए। ये वीडियोस ऐसे नहीं है कि इनको आप देखिए और गाना सुन के चले गए, ऐसे नहीं करना है, गाना नहीं सुनना है, इसमें डांस नहीं करना है, इनको कॉपी और किताब पेंसिल से लिखना है आपको, ठीक है। जो इसके अंदर, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, कि आप इसको बाद में घर पे जाके इजिली राइट कर लीजिए, क्योंकि घर पे मैं नहीं मिलूंगा आपको। तो ये कैल्शियम हो गया, अब ये देखिए क्या बराबर है, हाँ इक्वल है, आप बताइए, नहीं है, एटम्स डिफर कर रहे हैं, तो अब इसी को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे बताइए, क्या करते हैं कि बैलेंस हो जाए, जल्दी राइट रॉन्ग कुछ बताइए। कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम में क्या करते हैं, हाँ टू यहां लगा दें, हाँ यहां लगा दें, ऑक्सीजन के नीचे लगा दें टू, हाँ यहां नहीं लगता है, रेड वाला कहां चला गया, ये कहां लगा दें, टू यहां लगा दिया। अगर अब हमने टू लगा दिया तो अब कैल्शियम कितना हो गया, हाँ टू हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाँ टू हो गया अगले स्टेप में, ठीक है। लेकिन अभी इधर 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 क्या करें, इधर अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, टू लगा दें, ठीक है। तो अब कैल्शियम लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे टू लगा दिया तो यहाँ भी कैल्शियम टू हो गया, ऑक्सीजन इधर टू है और इधर भी कैल्शियम टू हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, टू हो गया, बराबर हो गए। ये स्टेप समझ में आया, हाँ ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। और अगर ये सब हम हटा देंगे तो ये बैलेंस्ड है, नहीं है। और अगर हम यहां पे भी टू लगा दें और यहां पे भी टू लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, समझ में आया, इधर भी बैलेंस हो जाएगी, इधर भी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यहां भी कैल्शियम टू हो गया, यहां भी टू हो गया, ऑक्सीजन इस साइड में भी टू हो गया और इस साइड में भी टू हो गया, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। क्योंकि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्या है वो, क्या कहता है कि नंबर, ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अगर इधर कम हो गया इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट ही कर रहे हैं, केमिकल बैलेंसिंग क्या है, रीअरेंजमेंट है, आप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप, वी गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय लुकिंग, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, द रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, की इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें एलिमेंट्स हैं, यहां से क्या पता चला, इधर क्या है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इधर के, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और इधर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, उसका मास भी इजिली निकाल सकते हैं। अब एक अलग, एक दूसरी इक्वेशन जो अभी आप लोगों को दी थी जो आप नहीं कर पाए, मरकरी, मरकरी का क्या फॉर्मूला होता है, एच जी, मरकरी प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, एच जी ओ, क्या ये बैलेंस्ड है, हाँ बताइए, बैलेंस्ड है बताइए, क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, हाँ क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, कैसे बैलेंस होगी, ये एच जी इधर एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन दो है, तो सबसे पहले हम क्या करें, ऑक्सीजन को क्या करें, आप वही लिख लीजिए, आप एलिमेंट्स लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड,
एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मरकरी है और ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, वन है, और ऑक्सीजन कितनी है, टू है, राइट हैंड साइड में क्या है, वन है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, देख रहे हैं आप, इस तरह का टेबल जरूर बना लेंगे, इससे आपको क्लियरिटी आएगी। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे हम टू लगा दें, यहाँ पे टू लगा दें, तो अब कितनी हो गई मरकरी, टू, ऑक्सीजन कितनी हो गई, तो हम सिंपल क्या करें, इसको टू कर दें यहाँ पे, तो अब मरकरी इधर भी टू हो गई, इधर भी, ऑक्सीजन इधर भी टू हो गई, और बाहर लगाते हैं जब, पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, तो वो इसमें भी होता है और वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बराबर हो गया, नहीं हुआ, टू इधर भी हो गया, अब ये टू इधर भी हो गया, टू इधर भी हो गया, और टू इधर भी हो गया, टू इधर भी हो गया, वीडियो सॉरी, पोटेशियम क्लोरेट है ये, क्लोराइड नहीं है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको जब हम हीट करेंगे सिंपल, अभी कौन सा रिएक्शन है ये आप बताएंगी, आपने चार तरह के रिएक्शन पढ़े हैं, अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थे, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज होगा ये, पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, यानी कि KCl और O2, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, क्लोरेट ClO3, ठीक है, KClO3, इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl और O2, क्या ये बैलेंस्ड है, हाँ, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस होगा, जल्दी करो, हाँ, क्या लगा दें, कहाँ क्या लगा देंगे बैलेंस हो जाए, इधर, हाँ, देखिए ये आप अगर इसका वो बनाइए, चार्ट बनाइए, तो ये के हो गया, ये सीएल हो गया, और ये क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया, इधर ये कितना है, वन, ये भी वन है, और ये कितना है, थ्री, लेफ्ट हैंड साइड में यही तो है, और राइट साइड में ये कितना है, वन, और क्लोरीन भी वन है, ऑक्सीजन कितना है, टू, कैसे बैलेंस करेंगे, हाँ, कैसे बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाए, हाँ, यहाँ क्या लगा दें, टू लगाएं अगर, चलिए लगाते हैं, अगर यहाँ टू लगाएंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, टू के, हाँ, फिर ये हो जाएगा टू सी एल, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, सिक्स, तो इधर भी कुछ आपको लगाना पड़ेगा, या फिर आपको थ्री लगाना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, थ्री, अगर आप यहाँ टू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, थ्री, तभी तो ये देखिए, टू के, टू सी एल और ऑक्सीजन सिक्स, अब ऑक्सीजन इधर भी सिक्स हो गई, इधर भी सिक्स थी, इधर भी सिक्स थी, इधर भी सिक्स हो गई, दोनों तरफ ऑक्सीजन सिक्स हो गई, लेकिन ये टू के है तो यहाँ पे भी टू लगेगा, फिर यहाँ पे भी टू के लगेगा, अब बैलेंस्ड हो गई है, देखिए टू के इधर है पोटेशियम, इधर भी पोटेशियम कितना है ये, हाँ, टू, क्लोरीन इधर कितनी है, वन है, टू, और इधर क्लोरीन कितनी है, टू, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, सिक्स, सिक्स है, ये थ्री नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब सिक्स हुआ, ऑक्सीजन इधर कितना है, ये अब आपका बैलेंस हुआ है, समझ में आया, हाँ, कैल्शियम अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बने, सी, अभी तो रब हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, कैल्शियम किससे रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, पानी से, पानी के लिए क्या होता है, H2O, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CA, ठीक है, सॉरी, प्लस गैस निकलेगी हाइड्रोजन, क्या ये बैलेंस है, देखिए, हाँ, तो कैसे बैलेंस होगी ये, जल्दी जल्दी बताइए कि कैसे बैलेंस होगी, कौन बताएगा कैसे बैलेंस होगी, कैल्शियम इधर कितना है, हाँ, और इधर कितना है, हाँ, हाइड्रोजन कितना है इधर, और इधर कितना है हाइड्रोजन, हाँ, इधर हाइड्रोजन टू है, राइट हैंड साइड में टू, और ये टू नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन इधर कितनी है, और इधर कितनी है भाई, ये इसका मतलब ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, ठीक है, तो अगर हम बात करें सी ए कैल्शियम, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इधर पहले क्या हो गया, हाँ,
वन टू वन, और इधर कितना हो गया, कैल्शियम वन है, हाइड्रोजन फोर है, और ऑक्सीजन कितनी है, टू है। बैलेंस है ये, कहीं से बैलेंस दिख रहा है, बराबर है। तो क्या करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन क्या कर दे, यहाँ पे टू कर दिया, है यहाँ, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, किधर लगाएंगे, है यहाँ, बताइए कहाँ लगाएंगे, यहाँ। देखिए बैलेंस हुआ नहीं हुआ, कैल्शियम वन इधर है, एक मिनट, कैल्शियम वन इधर है, वन इधर है, हाइड्रोजन कितनी है, फोर, और इधर भी हाइड्रोजन कितनी है, फोर, ऑक्सीजन कितनी है इधर, अरे बाहर लगा है ना, यहाँ लगता है, तो इसका मतलब इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन टू हो गई, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, हाँ तो बराबर हो गया ना, हाँ नहीं हुआ, आप देख लीजिए, आप ये होता है, कैल्शियम इधर वन है, इधर भी वन हो गया, हाइड्रोजन इधर फोर है, ये टू और ये टू, हाइड्रोजन भी फोर हो गया, ऑक्सीजन इधर क्या है, टू है, और इधर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई, टू, इक्वल हो गया, तो अब ये बैलेंस्ड हो गई।